आपका। नमस्कार, मेरे पास वोडाफोन आइडिया के 60,000 शेयर हैं 34 रुपए के एवरेज के पिछले 5 साल से, तो क्या मुझे एवरेज करना चाहिए या लॉस बुक करना चाहिए? आप ऑलरेडी इतना समय दे चुके हैं, आपको जब ज्यादा बहुत ज्यादा नीचे आ रहा था आपको तभी थोड़ा डिसीजन यहाँ पर ले लेना चाहिए था। नुकसान तो काफी ज्यादा हो रहा होगा क्योंकि आपने शेयर भी काफी ज्यादा लेके रखे हैं और 39 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। ठीक है गिरीश जी, भारी नुकसान में है ये वोडाफोन आइडिया में, पिछले 5 साल से होल्ड कर रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पाए स्टॉक को लेकर, और ऐसे स्टॉक में काफी सारे रिटेल निवेशक फंस भी चुके हैं। हम देख रहे थे कि जब गिरावट आई लोगों ने एंट्री करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं मिला इस स्टॉक में, और ऐसे स्टॉक को हम अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि बड़े ग्रुप की कंपनियां होती हैं, वोडाफोन हो गई, सुजलॉन हो गई, ये 10 रुपए के नीचे की कंपनियां हैं लेकिन कारोबार को लेकर, इनके सेक्टर को लेकर कुछ ना कुछ न्यूज में इनमें एक्शन देखने को मिलता ही रहता है। भारी नुकसान है इनको स्टॉक में, क्या करें गिरीश जी? वोडाफोन आइडिया वो लेवल तो पता नहीं कब दिखेंगे, लेकिन कोई तरीका बताइए जिससे इनका जो नुकसान की भरपाई है वो हो सके। देखिए, हम ऑलरेडी बार बार शो में यही बताते हैं कि एटलीस्ट आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करें क्योंकि बिना उसके इस तरीके के ट्रेड्स में बहुत लॉस आते हैं। अब अगर बात करें इनके रेट्स की, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी एक लो बना के 5.7 लाख लो बना के और थोड़ा सा अपसाइड दिखाया है, बट बिजनेस में कोई बहुत बड़ा कोई डेवलपमेंट हुआ हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि अभी ठीक है, ये नीचे के लेवल्स पे थोड़ा बहुत कर करके एवरेज करें, बट बहुत ज्यादा एवरेजिंग की भी सजेशन नहीं देंगे आप। तो एटलीस्ट ये 5.70 रुपए से लेकर 7 रुपए के बीच की एक एवरेजिंग थोड़ी बहुत रखें ताकि इनका जो लेवल है वो कहीं पे भी 12-13 रुपए के एक लेवल पे आ सके, उसके बाद ये एटलीस्ट पोजिशन को बाहर करें क्योंकि इस रेंज पे लॉस बुक करने की भी सजेशन तो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, एवरेज करने का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर गोपाल जी, और ये रणनीति सुझा दी गई है। 50,000 नहीं 60,000 शेयर इन्होंने लिए हुए थे तो भारी नुकसान में है। हमारी सहानुभूति आपके साथ, लेकिन कोशिश करिए इस स्टॉक में कोई भी तेजी आए आप निकलने की कोशिश करिए क्योंकि न्यूज बेस्ड एक्शन की वजह से हम देखते रहते हैं वोडाफोन में उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो स्टॉक से निकलने की कोशिश कीजिए और अपना निवेश हम उस शो के दौरान काफ़ी सारे कंपनियाँ डिस्कस भी करते रहते हैं उसमें आप स्विच करिए जिससे कि जो नुकसान है आपका उसमें थोड़ी कमी हो सके, वहाँ पर आपको राहत मिल सके।